वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि अच्छे से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आगे भी इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और मिलजुल कर सेलिब्रेट करेंगे। यही हमारी कंट्री कल्चर है जो कि सबको मिलाती है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करती है। हम लोग अपने रिलीजन कास्ट से ऊपर उठकर जब इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं सारे त्यौहार, यही ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है कि किस तरीके से कितने अच्छे से इस एक यूनिटी के साथ में डाइवर्सिटी मिलकर रहती है इंडिया में। तो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण सेट होता है। तो यही हम लोगों को आगे लेकर चलना है और इसी तरीके सारे जो भी फेस्टिवल है आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करने हैं। तो ये हमारा लेक्चर रहने वाला है जिसमें हम लोग ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज पेपर के आर्टिकल, काफी कुछ शानदार आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज कोई डे नहीं है तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो एक क्विज के साथ में करेंगे। आप लोगों के सामने टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अच्छे से इनके आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं और उसके बाद में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। स्कोर जरूर लिखा कीजिए, उससे मुझे भी पता चलता रहता है कैसे आप लोग स्कोर लिख रहे हैं। एक बच्चे ने बोला सर मेरा 0 आया पर फिर भी मैं स्कोर लिखता हूं। तो देखिए कोई बात नहीं है, 0 आता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब सारा का सारा चीजें आज की डेट में आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। तो बी पॉजिटिव, अच्छे से अपना जो माइंड का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को रखना है, तभी प्रोडक्टिव आप लोग काम कर पाएंगे। अगर दिमाग खराब रहेगा तो कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों के सामने आप लोगों को बताना है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता जो पोर्ट है उसका रिसेंटली जो नाम है अभी रीनेम किया गया, इसका नाम चेंज करकर एक लीडर के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो कि बीजेपी से कनेक्टेड है। इतना भी आप लोगों को हिंट दे दिया, अब आप लोगों को नाम बताना है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को बताना है कि 23rd ये नेशनल यूथ डे जो है अभी सेलिब्रेट किया गया, ये सेरेमनी यहां पर स्टार्ट हुई लखनऊ के अंदर में जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी यहां पर, किसकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है हम लोग यहां पर इससे कनेक्टेड सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को यहां पर चाइना की एक फिश का नाम बताना है जो कि एक्सटिंक्ट कैटेगरी में यहां पर पहुंच गई है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, चाइना के जो रिसर्चर है उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया उसको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रेड लिस्ट क्राइटेरिया। तो ये रेड लिस्ट क्राइटेरिया किसके अंडर में आता है, तो आप लोग को वो बताना है, उसका नाम बताना है। जिस लिस्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलती है कई सारे जो भी ऐसे जीव जंतु है जिसको इस लिस्ट में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वाइस प्रेसिडेंट हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया 55वां सेशन ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का, तो ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया। हारमुज पीस इनिशिएटिव कहां पर स्टार्ट किया गया, इंडिया के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये बात की जा रही है, वर्ल्ड बिजिएस्ट जो शिप लेन है यहां पर ये स्टेट ऑफ, तो कौन सा स्टेट है ये यहां पर आप लोगों को बताना है, जहां पर हो सकता है ईरान और यूएसए की टेंशन की वजह से आने वाले टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिले। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो भी एनर्जी हमारी कंट्री में पहुंचती है उसका 65% इसी पर्टिकुलर स्टेट से होकर जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसी के साथ में सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी बोलते हैं और टेलीग्राफ एक्ट। तो कौन कौन से ईयर के हैं ये एक्ट जिनके बेस पर इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड किया जाता है। पर लेकिन आप लोग इसके साथ में ये भी याद रखना है कि फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में आते हैं हमारे संविधान में, उसमें आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद जो 19 है उसमें फंडामेंटल राइट बना दिया गया है किसको, इंटरनेट को। तो इंटरनेट यूज करना फंडामेंटल राइट है, बिना किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के आप लोग इसको बंद नहीं कर सकते, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात की जा रही है नंदा देवी नेशनल के बारे में या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, आप लोगों को यह बताना है कि यह पर्टिकुलर किस राज्य में लोकेटेड है। यह यहां पर नंदा देवी पीक भी है, तो यह भी आप लोगों को पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नंदा देवी पीक कहां पर है, तो यह भी आप लोग आइडिया रखिएगा। तो यह है क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को बताना है। आइए एक एक कर आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने कोलकाता पोर्ट के बारे में, तो इसका नाम चेंज करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से रखा गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जो हैं वो बीजेपी के फाउंडर आप लोग इनको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट यहां पर स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है यहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल जिसका 23rd सेशन अभी हमारे द्वारा यहां पर सेलिब्रेट किया गया है, तो इसके बारे में भी आइडिया रखना है कि लखनऊ में यहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया था, ओके। नेक्स्ट यहां पर यह पैडल फिश जो कि रिसेंटली अभी एक्सटेंड की कैटेगरी में डाली गई है, ये यहां पर काफी लंबे समय से बेसिकली ये फंडा है कि देखिए जब आज के डेट में जितना ज्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो वाटर पोल्यूशन भी काफी लार्ज स्केल पर हो रहा है, और जिस लार्ज स्केल पर हम लोग मछलियां वगैरह पकड़ रहे हैं हमारा जो कंजप्शन है वो भी यहां पर एक बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके चलते इसको एक्सटेंड की कैटेगरी में डाला गया है और ये रेड लिस्ट जो क्राइटेरिया है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके द्वारा यहां पर ये डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो इसके बेस पर यहां पर इसको एक्सटेंड की कैटेगरी में डाला गया है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू साहब, इनके द्वारा
जो 50वां सेशन है ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस इन नागपुर में यहां पर इनोग्रेट इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हारमुज के बारे में, तो हारमुज स्टेट ऑफ हारमुज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो हारमुज पीस इनिशिएटिव कहां पर है, ये तेहरान में यानी कि ईरान के अंडर में, और इसी के साथ में ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट शिपिंग लाइन भी यहां पर इसको बोला जाता है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हारमुज। स्टेट ऑफ हारमुज काफी न्यूज में है किसकी वजह से, ईरान और यूएसए की टेंशन की वजह से। तो यहां पर आप लोग देखते हैं यह है स्टेट ऑफ हारमुज, और जब यहां पर आप लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो यहां पर आप लोगों नजर आएगा पर्शियन गल्फ, ये वाला बेसिक रीजन हो गया यहां पर पर्शियन गल्फ, और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमन। तो स्टेट ऑफ हारमुज जो है ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करने का भी काम करता है। पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये भी अगर नाम अरेबियन गल्फ लिख दे तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इंफॉर्मेशन एक्ट जो टेक्नोलॉजी एक्ट है वो है 2000 सेक्शन 144 जो कि कई बार आप लोगों ने सुना है, ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसी के साथ में टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885, ये तीनों मिलकर यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं जब इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो ये आप लोग आइडिया रखेगा। इसी के चलते जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि हाँ फंडामेंटल राइट बना देते हैं जो कि इंटरनेट अगर शटडाउन किया जाता है तो उसके लिए एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई भी उठाकर इंटरनेट को शटडाउन कर देगा। नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में बात करें या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नंदा देवी पीक के बारे में, ये सारे आप लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया आप लोगों के सामने क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि कितना स्कोर आप लोगों का रहा और कितने अच्छे से आप लोगों ने रिविजन किया। आगे चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं नैनो न्यूज के बारे में, एक एक कर न्यूज देखते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे इंपोर्टेंट न्यूज के ऊपर, यहां पर बात की जा रही है 13 जनवरी को वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पर स्टार्ट हुई, आबू धाबी कहां पर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में। तो ये जो है 4 दिन की यहां पर कॉन्फ्रेंस रहने वाली है जिसमें 800 के करीब यहां पर जो एग्जीबिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी जो समिट है वो कहां पर हुई, तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है वो आबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप लोगों को देखने को मिली। दूसरा, इसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो यहां पर बात की जा रही है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये है इसकी थीम, ठीक है। इसी के साथ में जो समिट है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी किस तरीके से क्लाइमेट के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को भी यहां पर एक तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है कि किस तरीके से इनोवेशन करके हम लोग क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोक सकते हैं, तो इसके ऊपर भी यहां पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। जो समिट है यहां पर बेसिकली 5 पिलर इसके मेन माने जा रहे हैं, एक तो एनर्जी, वाटर, सोलर, वे, इसी के साथ में वेस्ट और स्मार्ट सिटीज, यानी कि अगर हम लोग एनर्जी को इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के तौर पर, वाटर को ढंग से यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं है, वेस्ट जो है उसको ढंग से टैकल करके चलते हैं, और स्मार्ट सिटीज बनाते हैं, तो ये 5 पिलर यहां पर इस समिट के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो बेसिकली जो बेस्ट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है, उदाहरण ग्लोबल इकोनॉमी को जो रिसाइकलिंग की बात की जा रही है, रिमूव करना सिंगल यूज प्लास्टिक और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, यानी कि रिसाइकिल करना जो प्रोडक्ट है उनको रिसाइकिल करके फिर से नए प्रोडक्ट बनाना, रिमूव करना सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे स्ट्रो वगैरह या फिर चम्मच प्लास्टिक की यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाले जो ग्लासेस होते हैं प्लास्टिक वाले, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आएंगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को यूज एंड थ्रो वाली पेंसिल भी यहां पर बोला था, पर देखिए कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर काफी अच्छी चलती है और उनसे लिखने में भी अच्छा लगता है और सस्ती आती है, तो देखिए कोई नहीं, आप लोग अपना पढ़ाई पर इस तरीके से उसको मत सोचिए, थोड़ा सा अभी पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखिए, पर लेकिन जो आप लोग हटा सकते हैं वो आप लोग जरूर हटाइए, जैसे कि स्ट्रो वगैरह यूज करते हैं प्लास्टिक का, जब भी आप लोग जूस वगैरह पीते हैं या फिर आप लोग इसी तरीके से जैसे प्लास्टिक की चम्मच वगैरह यूज करते हैं, तो कम से कम वो सारी चीजें हटा सकते हैं। ये मैंने ये नहीं बोला कि आप लोग हटाओ, मैंने जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है हटाने में वो हटाइए, ज्यादा प्रेशराइज आप लोगों को नहीं करना है, कम से कम जो आप लोग ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं आराम से उसको कर लीजिए, बेसिक फंडा मेरा ये था बोलने का, ठीक है। तो ये है यहां पर इसके बारे में जो कि आइडिया आप लोग रखेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये उत्तर प्रदेश की साइड से निकलकर आ रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप उठाया गया काफी बड़ा, जिसमें लखनऊ सिटी और इसी के साथ में नोएडा सिटी दोनों के पुलिस कमिश्नर यहां पर स्टेब्लिश करने की बात की गई है, यानी कि पुलिस कमिश्नर आप लोगों को यहां पर 2 सिटीज के देखने को मिलेंगे। ये डिसीजन जो लिया गया है ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा लिया गया है लखनऊ में, जब कैबिनेट की यहां पर मीटिंग हुई। अब यहां पर इसका अप्रूवल जो है वो कहां से आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां पर इसका अप्रूवल निकलकर आएगा, कैबिनेट यहां पर की कैबिनेट के द्वारा अप्रूव। देखिए यहां पर देख ले होता क्या है, बेसिकली
सॉरी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा क्योंकि ये स्टेट का स्टेट की बात की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो मुद्दा होता है अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिससे जो कि देखिए क्या होता है, अगर कोई मुद्दा ऐसा होता है कि जो यहां पर एक तरीके से मान लीजिए जैसे तीन लिस्ट होती है, एक तो होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट और तीसरी होती है यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट। मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसमें यहां पर काम करना है और एक तरीके से कई सारे राज्य चाहते हैं कि उसमें कंबाइन काम किया जाए, तो वहां पर सेंटर अगर काम करता है। स्टेट लिस्ट में भी ऐसा हो जाता है कि यहां पर सेंटर अगर काम कर देता है अगर कई सारे राज्य बोले तो, लेकिन यहां पर ये पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात किया तो यहां पर कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल की बात की जा रही है और बोला गया कि पॉलिटिकल विल नहीं थी अब तक, इसलिए अब तक नहीं हो पाया। तो पुलिस कमिश्नर का जो अब तक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो अब यहां पर किसके हाथ में थी अब तक, यहां पर अब तक आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दिखती थी, पर लेकिन अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में ओनली रिवेन्यू वाले मैटर रह जाएंगे। अब जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होगी वो पुलिस कमिश्नर के अंडर में आ जाएगी। और अच्छी बात यहां पर यह है कि देखिए ये सिटी जो काफी इंपोर्टेंट है, लखनऊ भी और नोएडा भी, एनसीआर में अगर बात करें तो नोएडा, तो ये एक तरीके से स्मार्ट सिटी भी इनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके चलते भी ये काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से निकलकर आ रही है, शॉर्ट फॉर्म में जेएनयू जिसको आप लोग बोलते हैं। जेएनयू में काफी बवाल देखने को मिला, अभी कई सारे नकाब पोशधारी लोगों के द्वारा एंट्री की गई और कई सारे बच्चों पर और टीचर के ऊपर अटैक किया गया, तो उसी के चलते काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। एडमिशन भी बोला जा रहा था काफी हैम्पर हो रहा है, पर लेकिन जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह बोला गया कि अब यहां पर ऑलरेडी यहां पर काफी सारे बच्चों के द्वारा रजिस्टर करा लिया गया है विंटर सेशन के द्वारा, तो जो है जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि हैम्पर हुआ है प्रोजेक्ट, तो वो हैम्पर नहीं हुआ है। अच्छे से जिनको एडमिशन लेना जिनको पढ़ना है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चे के द्वारा मैसेज भी किया गया था, बोला था सर मुझे अभी एडमिशन लेना है अभी आने वाले टाइम में, तो मैं जेएनयू में सोच रहा था एडमिशन लेने की, पर लेकिन जैसे हालात है मुझे लग नहीं रहा है कि वहां पर एडमिशन लेना चाहिए। तो देखिए आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो हर जगह के आप लोगों को हर तरीके के लोग नजर आएंगे, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलते हैं। अगर आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हैम्पर कर रहे हैं अपनी अलग अलग चीजों की एक्टिविटीज की वजह से, ये देखिए आप लोगों को सेपरेट करके चलनी पड़ेगी, जब तक सेपरेट नहीं करेंगे तो चीजें बर्बाद होती रहेंगी, तो इनको सेपरेट कीजिए। इस तरीके से आप लोगों के माइंड पर कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, सामने वाला क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए तो आप लोग इसको कर सकते हैं। पर हां जहां पर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को वैलिड पॉइंट है, आवाज उठानी चाहिए, तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग अपनी आवाज भी उठाइए, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आप लोगों के पास में राइट है। तो दोनों चीजें आप लोग बैलेंस करके चलिए, दोहरी बैलेंस ही एक तरीके से लाइफ में सबसे सुटेबल चीज है कि अगर बैलेंस बना पाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है लाइफ को जीने का। अभी यहां पर जो प्रॉब्लम देखने को मिली उसके चलते जवाहरलाल नेहरू में सेटअप किया गया एक कमेटी जो कि प्रोफेसर सुशांत मिश्रा के द्वारा हेड की गई कि कैसे जो सिक्योरिटी लैब्स है यानी कि किस तरीके से नकाब पोशधारी हम जो इसमें एंट्री कर गए और उनके द्वारा जो हरकतें की गई तो उसको भी यहां पर रिव्यू करने की बात की गई। तो ये जो यहां पर अभी कमेटी है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर काफी ज्यादा न्यूज में है तो कमेटी का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है हमारी कंट्री में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा बोला गया यहां पर कि रोड एक्सीडेंट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं और 4% का इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला, तो इसी के चलते इनके द्वारा जो यहां पर यह डेटा दिया गया 4%, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी के साथ में जो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको एनसीआरबी शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा भी यहां पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर बात करें 2018 में तो 411,824 जो लोग हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। देखिए एक एस्टिमेशन मोटा मोटा लगाया जाता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहां पर होते हैं वो हमारी कंट्री में होते हैं, 5 लाख के करीब जो लोग हैं वो हर साल उनकी जान चली जाती है। रीजन क्या है, लापरवाही की वजह से जो यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं वो है बेसिक यहां पर फंडा। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर थोड़ा सा एनसीआरबी के बारे में यहां पर जान लेते हैं। जो एनसीआरबी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है जो कि आप लोगों को हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और आज की डेट में जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहां पर रामफल पवार आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो एजेंसी है ये हमारी कंट्री में ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड जो डेटा है यहां पर इसके द्वारा ही यहां पर ये प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बेस पर फिर हम लोग अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है और कैसे कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोगों से कई बार इसका अगर आइडिया आप लोग रखेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि क्या क्या हमारी कंट्री में चल रहा है। ठीक है, तो मोटा मोटा सा आइडिया इन सब एजेंसीज के बारे में भी आप लोग जरूर रखिएगा। नितिन गडकरी साहब के द्वारा यहां पर 5,000 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश में अभी प्रोजेक्ट भी यहां पर लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलता हूं,
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बारे में। तो सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा यह बोला गया है कि 31 जो जनवरी है वो यहां पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करने की बात की जा रही है जो ड्रोन है हमारी कंट्री में और उनके ऑपरेटर। मान लीजिए यहां पर किसी के पास में ड्रोन है जो कि उड़ाया जाता है आज के डेट में और उसका ऑपरेटर, दोनों को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर कल को कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन होती है, कुछ ऐसा सिक्योर रीजन है जहां पर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, तो उसके चलते यहां पर आप उसका पता होना चाहिए कम से कम गवर्नमेंट को, कल को कोई हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को खतरा ना हो जाए। रीजन ये भी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया तो बाहर से कई सारे डिग्नेटरी आती हैं और इसके अलावा और भी कई सारे जो सिक्योर एरिया है, तो उसके चलते यहां पर इनका रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। तो यहां पर ये पता चलता रहेगा कितने हमारी कंट्री में ड्रोन है, कहां कहां पर कौन सा ड्रोन उड़ाया जा रहा है, तो भी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये काम कर रही है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है यहां पर जो ये काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहां पर अगर कोई यहां पर इसको फेल हुआ यहां पर रजिस्टर कराने में, तो उसको इंडियन पिनल कोड के तहत और एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत यहां पर उसको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट बात क्या बोली जा रही है, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, तो इसके द्वारा को चेयर की गई थी कमेटी, ताकि जो ड्रोन है लास्ट ईयर उनको एस्टिमेट किया जाएगा हमारी कंट्री में कि कितने हमारी कंट्री में ड्रोन है जो कि रजिस्टर नहीं है, फिर इलीगल तरीके के ड्रोन आप लोग बोल सकते हैं। तो 50,000 से 60,000 के बीच में यहां पर ये ड्रोन का एस्टिमेशन यहां पर इसके द्वारा लगाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए इनका पता होना काफी ज्यादा जरूरी है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, LCA। तो LCA जो है हमारी कंट्री में ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग यहां पर इसकी कराई गई INS विक्रमादित्य के ऊपर। देखिए ये जो इस तरीके का जो हमारी कंट्री में जो शिप होता है, जैसे INS विक्रमादित्य हो गया, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट ये यहां पर क्या है, यहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनके बहुत सारे ऐसे जो इस तरीके के जो यहां पर ये LCA है यहां पर इस पर लैंड कराए जा सकते हैं, और कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है जैसे पाकिस्तान या चाइना अगर इसके साथ में कोई एक्टिविटी होती है, तो हम भी अपने आप को कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये इसका नेवल वर्जन अभी देखने को मिला, जो कि सिक्योरिटी को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इस तरीके के जो चीजें हैं वो किसके द्वारा की जाती है, ये डेवलप किसके द्वारा किए जाते हैं, LCA टाइप की चीजें, तो ये DRDO है हमारी कंट्री में, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में DRDO। इसके द्वारा यहां पर ये सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है जो डिफेंस से रिलेटेड है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रमादित्य, इसके ऊपर इसको लैंड कराना एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक नई कैपेबिलिटी हमारी सामने निकल कर आती है कि हाँ हमारी ही कंट्री के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप जो यहां पर ये एयरक्राफ्ट है, ये यहां पर बेसिकली इसके ऊपर ये लैंड कराया गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आइए आगे बढ़ता हूं। एक और पॉइंट है यहां पर जो LCA है यहां पर ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक यहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट है अपनी क्लास का, ये एक अलग ही तरीका जो कि यहां पर काफी एडवांस है और हमारी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक एडवांस चीजें हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं, अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। हालांकि ये न्यूज कल ही बता चुका था, पर इससे रिलेटेड दो न्यूज है एक साथ में, तो इसको फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटेंड किया गया 150वां जो एनिवर्सरी है यहां पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम भी अभी चेंज करके रखा गया, दूसरा नाम क्या नाम था अभी आप लोगों को रिवीजन भी मैंने कराया था, तो आप लोग नीचे बताइए कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या किया गया है। अभी कोलकाता जो पोर्ट है यहां पर ये हमारी कंट्री में लोकेटेड है, और इसको जो ओपन किया गया था ये 1870 में इसको ओपन किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। यहां से वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में लेकर जाते थे और हमारी कंट्री में बना बनाया सामान लेकर आते थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट जो यहां पर है ये कोलकाता डॉक, जो कोलकाता है यहां पर ये डीप वाटर डॉक है, ठीक है, और यहां पर दो आप लोगों को नजर आएंगे, कोलकाता डॉक इसी के साथ में कोलकाता में और डीप वाटर डॉक हल्दिया में, तो ये इसी के पार्ट है दोनों, ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के अंडर में ही यहां पर ये आते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर ये लॉन्च किया गया है, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये है रविंद्र सेतु, हावड़ा ब्रिज के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो यहां पर ये हावड़ा ब्रिज में क्या, हावड़ा ब्रिज तो पहले से था, पर यहां पर लाइट शो और साउंड शो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हावड़ा ब्रिज जो है यहां पर ये किस रिवर के ऊपर है, तो ये हुगली रिवर के ऊपर है, कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये जो कमीशन किया गया था 1943 में कमीशन किया गया था, और 1965 में इसको रीनेम किया गया रविंद्र सेतु के नाम से, ठीक है। तो यहां पर जो आप लोगों को पता ही है कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट भी थे यहां पर, खासकर अगर आप लोग बात करते हैं लिटरेचर के फील्ड में, यानी कि लिटरेचर के फील्ड में एशिया में इससे पहले नोबेल प्राइज किसी को नहीं मिला था, गीतांजलि थी इनकी वो राइटिंग जिनके लिए इनको यहां पर नोबेल प्राइज दिया गया था। हावड़ा ब्रिज जो है ये सिक्स्थ लॉन्गेस्ट यहां पर कैंटिलीवर ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेगा। उन्होंने जिस तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिलता है लंदन ब्रिज टाइप में जो बनाई जाती है चीजें, उसको सहारे से वो चला जाता है, तो उस तरीके ये आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो ये न्यूज में था, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे यहां पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ये यहां पर एक राइटर थे, इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया इनकी डेथ के ऊपर कि यहां पर हमारी कंट्री ने एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी खो दी है।
नाम इनका याद रखिएगा और किस से रिलेटेड है ये भी याद रखिएगा। नाम है इनका चिंदानंद मूर्ते, तो 1931 में पैदा हुए थे, 2020 में इनकी अभी डेथ हुई है। तो एक कन्नड़ राइटर थे यहाँ पर, ये इनके द्वारा कन्नड़ जो राइटर थे यहाँ पर, इनके द्वारा कन्नड़ जो कन्नड़ लैंग्वेज है यहाँ पर, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिलाया गया। क्लासिकल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है? क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि किसी और लैंग्वेज से ओरिजिनेट नहीं होती है, यानी कि वो खुद ही अपने आप में एक यूनिक लैंग्वेज होती है। तो वो यहाँ पर इसको दर्जा दिलाया गया, जैसे संस्कृत आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, एक क्लासिकल लैंग्वेज का अगर उदाहरण आप लोगों को दो। तो इसी के साथ में जो हम्पी मोन्यूमेंट है कहां पर, कर्नाटक के अंदर में, तो उनको भी यहां पर इनके द्वारा कंजर्व करने के लिए कई सारे कैंपेन यहां पर चलाए गए, तो उसके चलते भी आप लोग इनको याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ अवार्ड के नाम दे रखे जो इनके इनको यहां पर मिले हैं, यहां पर राज्य सेवा अवार्ड, साहित्य अकेदमी अवार्ड और यहां पर पंपा अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड हैं यहां पर जो कि इनको मिले हैं, तो इसलिए भी एक इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार ये तो पूछ लिया जाता है, कम से कम आप लोग अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक राइटर के नाम दे देंगे 3-4 आप लोगों को, और वहां पर दे देंगे किस लैंग्वेज से वो कनेक्टेड है और किस किताब दे देंगे 3-4, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके जो पॉइंट है वो थोड़ा सा अगर याद रखिएगा जो राइटर न्यूज में है, तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी की न्यूज। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये है कोल एंड माइनिंग की साइड से। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो प्रोड्यूस की जाती है वो कोयले से प्रोड्यूस की जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारी कंट्री में, चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, और दूसरा सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है इसमें अमेंडमेंट करने के बारे में, तो अमेंडमेंट यहां पर मिनरल एंड जो यहां पर माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जिसको MMDR बोल रहे हैं आप लोग 1957, और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट ये यहां पर 2015, तो इनमें चेंज करने की बात की जा रही है। अमेंडमेंट करने के बाद में यहां पर एक तरीके से आप लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक डेमोक्रेटाइजेशन यहां पर किया जा रहा है ताकि जो कोल इंडिया लिमिटेड है ओनली उसका वर्चस्व है अब तक यहां पर, उसको हटाकर अब दूसरे भी यहां पर आकर पार्टिसिपेट कर पाएंगे कोल इंडिया के फील्ड में, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर ये होगी, इससे क्या रहेगा, इससे यहां पर फायदा ही देखने को मिलेगा, जो माइनिंग वाला एरिया है यहां पर तो उसमें दूसरे भी लोग आकर पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वो भी यहां पर कोयला निकाल पाएंगे। लाइसेंसिंग जो रहेगी वो यहां पर बात की जा रही है, देखिए एक तरीके से ये PL कम ML की बात की जा रही है यहां पर, तो इसको बोला जा रहा है यहां पर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। तो यहां पर जो लाइसेंस रहेंगे उसके हिसाब से माइनिंग लीज यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और प्रमोट किया जा रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ताकि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी आ सके अच्छी अच्छी और आराम से हम लोग चीजों को एक्सेस कर सकें। तो इसके चलते हमारी कंट्री में क्या रहेगा, और लार्ज स्केल पर इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, और टारगेट जो था कोल इंडिया का उसका भी काफी अच्छे टारगेट थे आने वाले टाइम में 2024 तक की काफी लार्ज स्केल पर कोयला निकालना है। पर लेकिन हमारी कंट्री में इतना कोयला होते हुए भी हम लोग बाहर से कोयला खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास में कई बार टेक्नोलॉजी की कमी पड़ जाती है और कई सारी इस तरीके की जो चीजें हैं जो हमारी कंट्री लैक करती है, कोयले की क्वालिटी भी हमारी कंट्री में अच्छी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से भी कई बार ये न्यूज में रहता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कल्चर के बारे में, और कल्चर में भी लैंग्वेज के बारे में। आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में पता ही है, हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे शेड्यूल 8 के अंदर टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज हैं। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, पर आज के डेट में यहां पर ये कितनी 22 लैंग्वेज हो चुकी है, ठीक है। तो इसके चलते जो शेड्यूल 8 है, तो इसका मतलब शेड्यूल 8 में 8 लैंग्वेज और एड करके 22 लैंग्वेज हम लोगों ने बना दी है, जिनको आप लोग शेड्यूल लैंग्वेज जानते हैं। शेड्यूल लैंग्वेज अगर लैंग्वेज यहां पर आ जाती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस उसकी बन जाती है, तो यहां पर उसी के चलते यहां पर कुछ बातें लैंग्वेज के बारे में बात की जा रही है, पर लेकिन ये के बारे में या इंडियन के बारे में नहीं है, ये यूएन के बारे में, इनके यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो एक प्रेस रिलीज इशू की गई दिसंबर के महीने में, जिसमें यहां पर जो यूएन जनरल असेंबली है उसके द्वारा यहां पर बोला गया कि बड़ी ही जल्दी जल्दी जो इंडिजिनियस लैंग्वेज है वो विलुप्त होती जा रही है, डिसअपीयर होती जा रही है। तो यहां पर जो बोला जा रहा है इनके द्वारा कि जो लैंग्वेज है वो डिसअपीयर होती जा रही है, तो इसके चलते बड़ी ही जल्दी काफी सारी लैंग्वेज जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। रीजन काफी सारे हैं, एक तो कई बार आप लोग खुद ही देख लीजिए अपनी खुद की जो लैंग्वेज है उसको यूज करने से हम लोग शर्माते हैं जब हम लोग बाहर निकल जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा रीजन बोल सकते हैं। माइग्रेशन एक रीजन आप लोग बोल सकते हैं, लोकल एरिया के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं अपनी लैंग्वेज छोड़कर, वहां पर अपनी लैंग्वेज गांव में ही छोड़ देते हैं, कहने का मतलब ये बाहर जाकर फिर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई पढ़ाना भी पसंद नहीं करता है। तो कई सारे मुद्दे आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर जो बातें बताई जा रही है वही बाली जा रही है। देखिए ओल्ड जनरेशन जो आज के डेट में है वो इंटरनेशनल ट्रांजिशन में है, तो इस तरीके से खुद की लैंग्वेज इंटरप्ट कर देती है। कई बार जो बच्चे हैं वो भी एक पर्टिकुलर रीजन में ही उस लैंग्वेज को बोलते हैं, कई बार आप लोग को नजर आ जाएगा ये लैंग्वेज ना कहीं पढ़ाई जाती है और ना ही इनके बारे में कोई बात करता है, तो इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो विलुप्त होती ही नजर आ रही है। अगर आप लोग उनको आगे बढ़ाओगे नहीं तो ये लैंग्वेज ऐसे ही खत्म होती हुई चली जाएंगी।
कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा इससे रिलेटेड आप लोग यहां पर याद रखते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि इंडेंजर्ड जो लैंग्वेज हैं वो लैंग्वेज होती हैं जिनको ग्रांड पेरेंट बोलते हैं, ओल्डर जनरेशन जो है वो बोलते हैं, पर पेरेंट जो है वो एक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, पर आने वाली जो जनरेशन है बच्चे वो यहां पर ना तो उनको बोलते हैं और ना ही उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एक्सटिंक्ट लैंग्वेज जो है कोई स्पीकर ही नहीं बचा हुआ उसको बोलने वाला, वो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज की कैटेगरी में आ जाती है। यूनेस्को के द्वारा रफली बोला गया कि 57% वर्ल्ड एस्टिमेट करी जाए तो 6000 जो लैंग्वेज है आज के में वो सेफ है, अबाउट 10% वल्नरेबल है, 10.7% इंडेंजर की कैटेगरी में, 9% जो है वो सीवियरली इंडेंजर है, 9.6% क्रिटिकली इंडेंजर है, 3.8% जो लैंग्वेज है वो एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में यहां पर है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं यहां पर अगर बात करें 1950 से। तो ये लैंग्वेज है जो विलुप्त होती जा रही है। रीजन है मॉडर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन जो चीजों को हो रहा है, हमारी कंट्री में भी खुद ही देख लीजिए कितने ऐसे लोग हैं जो आज के डेट में जो संस्कृत यहां पर बोल रहे हैं। जो अगर शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो संस्कृत जो है वो सबसे कम बोले जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इंडेंजर लैंग्वेज प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें आप लोग रफली, तो 201 इंडेंजर लैंग्वेज इंडिया के अंदर है अकेले। लास्ट ईयर 2019 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज ये यहां पर सेलिब्रेट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि जो यूएन के द्वारा इंडिजिनियस लैंग्वेज जो ईयर है वो किस ईयर को यहां पर दिया गया, तो 2019 को यहां पर ये ईयर सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये जो स्कीम है एक फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम है जो कि फंड के बारे में यहां पर बात करती है, या कि जो जिस तरीके से मान लीजिए नई नई जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं उनको किस तरीके से फंड प्रोवाइड कराना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइड से यहां पर स्कीम 2015 में यहां पर स्टार्ट की गई थी। ये एक तरीके का माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम यहां पर बोल सकते हैं जो कि प्रोवाइड करा रहा है। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्फेंट जो होगा यानी कि जिसके द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है उसको 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। अगर यहां पर टीनेज होगा उसको यहां पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर तरुण होगा उसको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो ये लोन की कैटेगरी भी इस तरीके से यहां पर डिवाइड की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये याद रखिएगा एक तरीके की लोन प्रोवाइड कराने की स्कीम है, ताकि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे छोटे मोटे जो लघु उद्योग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो यह है इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले तो फिर से हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय कीजिए इसी तरीके से अपने फेस्टिवल्स को। ये क्विज था जो कि आप लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट के बारे में, बात की इसकी थीम क्या थी और क्या क्या कंडीशन है वो सारी समझी। नेक्स्ट यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए हैं वो हम लोगों ने समझे। जेएनयू के बारे में समझा क्या क्या कंडीशन है और कौन यहां पर कमेटी सेटअप की गई सिक्योरिटी के लिए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा क्या क्या बातें की गई हैं, ड्रोन को लेकर क्या क्या कंडीशन की जा रही है वो हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहां पर ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिली ये यहां पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बारे में जानने को मिला। इसी के साथ में हावड़ा ब्रिज के बारे में जाना क्या क्या चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में भी आप लोगों को जानने को मिला जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो नेक्स्ट न्यूज थी यहां पर ये कोल एंड माइंस के बारे में जानने को मिला जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहां पर ये लैंग्वेज के बारे में जाना क्या क्या कंडीशन है और कैसे एक्सटेंड यहां पर हो रही है। इसके साथ में जो नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिली ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप लोगों को जानने को मिली। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है हावड़ा ब्रिज के बारे में, किस रिवर के ऊपर यहां पर ये लोकेटेड है जो कि कमीशन किया गया था 1943 में। इसी के साथ में LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में आप लोगों को बताना है कि किस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इसके सक्सेसफुल लैंडिंग यहां पर कराई गई है। यहां पर जो राइटर है ये किस पर्टिकुलर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है ये आप लोग बताइए, जिनकी रिसेंटली अभी यहां पर डेथ हुई है। यहां पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कौन से 2 सिटीज में नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम सेटअप करने की बात की गई है। जवाहरलाल नेहरू में सिक्योरिटी को चेक करने के लिए कौन से प्रोफेसर की कमेटी यहां पर बनाई गई है। टोटल 4,11,824 डेथ देखने को मिली 2015 में, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर यह बताया गया है कि बेसिकली जो स्कीम है आप 31 जनवरी तक यहां पर रहने वाली है जो ड्रोन को रजिस्टर कराने वाली, वरना इसके बाद में इलीगल इनको माना जाएगा और उसके तहत पनिशमेंट भी दिया जाएगा इंडियन पिनल कोड के तहत। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पर हुई, की स्टार्ट हुई अभी रिसेंटली, इसकी थीम क्या है ये आप लोग बताइए। तो ये है टोटल क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। लेक्चर अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा और तभी शेयर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करना है और शेयर भी बिल्कुल नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।